तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे में हर भर्ती की न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। नीचे वाला कोई भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ऊपर वाला ऑप्शन ऑल सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, आज 14 सितंबर 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड एवं कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां आवेदन प्रक्रिया शुरू। आज का इतिहास, 14 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। उपेंद्र यादव का ट्वीट, कल किसी भी विषय का परिणाम जारी नहीं हुआ, और हाँ इस वीक में कुछ परिणाम आएंगे और बाकी 20 तक सभी परिणाम जारी हो जाएंगे। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 2, अंग्रेजी, हिंदी और अन्य परिणाम। उपेंद्र यादव का ट्वीट, राज्य सरकार अध्यापक भर्ती लेवल 2 में कम किए गए 4500 पदों को वापस जोड़े, और अध्यापक भर्ती में ज्वाइन करके त्याग पत्र देकर जाने वाले अभ्यर्थियों की जगह अन्य राज्यों के तर्ज पर यहां भी नियमों का प्रावधान करके एक और सूची जारी की जाए, और ये मांग आज के आंदोलन में मजबूती से उठाई जाएगी। आज शहीद स्मारक पर उपेंद्र यादव के नेतृत्व में आंदोलन। नई रीट 2023, रीट एक महीने की देरी होने से अगली सरकार बनने तक टल जाएगी परीक्षा। अगले महीने आचार संहिता व दिसंबर में चुनाव। बोर्ड ने 2022 में अंतिम रीट परीक्षा करवाई थी। नागौर, भास्कर न्यूज। नई रीट शिक्षक भर्ती, अध्यापक भर्ती लेवल 2 विशेष शिक्षा में योग्यता को लेकर विवाद। शिक्षा विभाग के 2 तरह के आदेशों से विशेष शिक्षक भर्ती पात्रता में गफलत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का बयान, अध्यापक भर्ती लेवल 2 विशेष शिक्षा में योग्यता को लेकर अभ्यर्थियों को किसी तरह की शिकायत है तो उनकी शिकायत का परीक्षण करा लिया जाएगा। आलोक राज, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 2। श्रीगंगानगर, भास्कर न्यूज। जिला परिषद की ओर से 14 से 16 तक चयनित कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। जिले को इसी महीने मिलेंगे 445 थर्ड ग्रेड शिक्षक। हाई कोर्ट ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती पर रोक लगाई। पूरे प्रदेश में संविधा के आधार पर 50,000 पदों पर यह भर्ती एक साल के लिए की जा रही थी। राजस्थान हाई कोर्ट। दस्तावेज सत्यापन के लिए अपात्रों को क्यों किया शामिल, राजस्थान हाई कोर्ट। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 मामला, आरएएस 2021 के साक्षात्कार का 5वां चरण 3 अक्टूबर से, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। आरपीएससी कॉमर्स विषय का परिणाम जारी, 130 अभ्यर्थी मुख्य सूची में सफल घोषित। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फाइनल परिणाम कॉमर्स विषय। सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 का पाठ्यक्रम जारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। शिक्षा विभाग की जिला रैंकिंग जारी, शिक्षा मंत्री जी, प्रदेश का एक भी जिला नहीं हो पाया प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। सीएम के गृह जिले सहित प्रदेश के 20 जिले रैंकिंग में फेल, राजस्थान पत्रिका न्यूज। नाबार्ड में ऑफिसर्स के पदों पर निकली वैकेंसी, 23 सितंबर तक करे आवेदन। सफाई कर्मचारी भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक से इनकार, राजस्थान हाईकोर्ट। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 हिंदी विषय की काउंसलिंग 26 से।
पेपर लीक प्रकरण सेकंड ग्रेड आरपीएससी सदस्य कटारा की जमानत अर्जी खारिज राजस्थान हाईकोर्ट। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज एडमिशन ओपन एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश की स्वीकृति। बीकानेर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 240 सीटों पर होंगे एडमिशन। पीजी प्रीवियस श्रेणीवार खाली सीटों पर आवेदन 19 तक। पीटीटी बीएड के अभ्यर्थियों को कल तक जमा करानी होगी फीस। अंग्रेजी के 3,145 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से शुरू। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 अंग्रेजी के 3,145 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2023 नाम पिता का नाम फोटो जेंडर के अतिरिक्त प्रविष्टियों में संशोधन का अवसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निदेशक एकेडमिक के पद पर हमले से पहले से अवसर मौजूद दूसरे को भी लगाया। सीबीएसई 9वीं 11वीं में रजिस्ट्रेशन शुरू 1 महीने का समय अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन की तिथि 22 तक बढ़ाई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज दस्तावेज बनवाने के लिए विद्यार्थी सुबह से इंतजार करते रहे शाखाएं सोनी बोर्ड कर्मचारी देरी से आए। सीबीएसई की वेबसाइट पर 10वीं 12वीं के अभ्यास पेपर निःशुल्क बदलाव। अब सरकारी स्कूलों में बालक बालिकाओं को प्रवेश के लिए उम्र की गणना 31 जुलाई से होगी। सेकावाटी विश्वविद्यालय पीजी की 40 सीटों पर मेरिट सूची जारी। फाइनल में शुरू हो चुके 6 कोर्स स्वीकार। सेकावाटी विश्वविद्यालय हिंदी का ऐसा सम्मान। विद्यालयों में हिंदी के 443 पद खाली पड़े हैं अजमेर। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज पोस्टिंग की तैयारी शुरू। 13 सितंबर को राज्य के सभी डीओ शिक्षा निदेशालय पहुंचे। प्राइमरी व मेडिकल मिडिल स्कूलों में लेवल 1 के 14,628 पद खाली। चयनित 4,456 को माध्यमिक सेटअप में मिलेगी पोस्टिंग। आचार संहिता लगने से पहले 20,546 पदों पर नियुक्ति देगा सीफू। कृषि कॉलेजों में सीटें तय। 35,000 पास स्टूडेंट में से केवल 11 को मिलेगा एडमिशन बांसवाड़ा। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज अब 1 साल का इंतजार। कई छात्रों के सामने 10वीं 12वीं में पास होने का संकट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम आने से पहले ही ओपन स्कूलिंग की फॉर्म फिलिंग समाप्त। शिक्षा मंत्री को पुरस्कृत शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। जयपुर भास्कर न्यूज 10 जिलों के 19 स्कूल 5वीं से 8वीं में अपग्रेड। जयपुर